पौड़ी संसदीय सीट से रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधानसभा की मतगणना लगातार जारी है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा में दो चरणों की मतगणना संपन्न हो चुकी है। दोनों जो चरण यहां पे मतगणना के संपन्न हुए हैं उसमें भाजपा प्रत्याशी जो अनिल बलोनी हैं वो लगभग 4,128 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी तरह अभी तक जो भी रुझान आ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी है उनको बम्पर वोटें पड़ रही हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम रुद्रप्रयाग और केदारनाथ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे लगातार भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक जो भी रुझान आ रहे हैं सामने आ रहे हैं तो उनमें जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं कांग्रेस प्रत्याशी को काफ़ी कम वोटें पड़ी हैं। खासकर अगर हम केदारनाथ विधानसभा की बात करें तो केदारनाथ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा में हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी को पिछले जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले इस बार अधिक वोटें पड़ रही हैं। हालांकि अगर यहीं रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की ओर देखा जाए तो केदारनाथ में लगातार कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, अब भाजपा बढ़त बनाती जा रही है। अभी तक दो चरणों में मतगणना संपन्न हो चुकी है और दोनों चरणों में भाजपा प्रत्याशी 4,128 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहां पे कुल 14 चरणों में मतगणना संपन्न होनी है, अब 12 चरण बचे हुए हैं। प्रवीण सेमाल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग।